वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड कैरियर। सर मैं सिर्फ ऋतुपर्णा, कैसे हो आप सब? आई होप आप फिट फाइन एंड हेल्दी आपके घर में। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी समर फ्रेंडली एक लुक शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में आप कर सकते हो। कभी कभी हमें कंफ्यूज लगता है कि थोड़ा सा गेट रेडी होने में, थोड़ा सा टचअप करने में कितना सामान लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना जैसे में कंफर्टेबल हो वैसा ही एकदम परफेक्ट मेकअप हो जाता है। सो इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इतना ज़्यादा गर्मी है, कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं करता है, बट फिर भी अगर आपको डार्क सर्कल्स हो या फिर थोड़े बहुत पिगमेंटेशन हो तो ये सब लेके कहीं पर भी जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। सो ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये जो मैंने ड्रेस वेयर किया है, एक कुर्ती है, ये मैंने मिंत्रा से लिया है। एंड अगर आपको ये पसंद आया, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टाई माई हेयर, इसके साथ ना आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो हेयर टाई कर लिया है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। मोर ओवर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लाऊं आप सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। सो मेकअप के वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज प्रेफर टू क्लीन माई फेस। अगर मेरा फेस क्लीन रहे तो फिर भी मैं वेट वाइप से ज़रूर क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस में लगाऊंगी फेस मिस्ट, माई फेवरेट प्लम का फेस मिस्ट, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी अंडर आई क्रीम ताकि मेरी अंडर आई जो है ड्राई ना रहे बिल्कुल, इसको भी हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट ज़रूर मिले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप मेकअप करें या ना करें, अंडर आई क्रीम मस्ट। फिर मैं अपने लिप के मॉइस्चराइजेशन के लिए लगाऊंगी डॉट एंड कीका लिप बाम, अ वेरी गुड लिप बाम। सो मॉइस्चराइजर के लिए मैं लगाऊंगी सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी टाइम से ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, पता नहीं कैसे बट हो गई है जिस भी। सो अभी मैं इसलिए यही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। एंड सनस्क्रीन लगाऊंगी, मैं डे पार्टी में जाती हूँ या नाइट पार्टी में, कहीं पर भी जाती हूँ, सनस्क्रीन मस्ट ऑलवेज आप ज़रूर लगाइए, ये कभी भी स्किप मत कीजिए। सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक्वालॉजिक का सनस्क्रीन। सो माई स्किन इज़ टोटली प्रेप्ड एंड अभी मैं मेकअप की तरफ जाऊँगी। सो फर्स्ट स्टेप है प्राइमर, प्राइमर कभी मत स्किप कीजिए। यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, वेरी अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली है एकदम। सो ये आपके जो पोर्स को है ब्लर आउट कर देता है एंड अपनी स्किन को एक इवन लेयर प्रोवाइड करता है। फिर मैं लगाऊंगी मामा अर्थ का कंसीलर। कंसीलर इज माई गो टू फेवरेट एवरी टाइम, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है मेरे स्किन में, उसके साथ मैं कहीं पर भी जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। लोग वोग रहेंगे अच्छा नहीं लगता ना, आपका भी इंप्रेशन थोड़ा सा ख़राब रहे, सो इसी वजह से इसके मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूंगी। वेरी इजीली ब्लेंडेबल है ये कंसीलर। उसके बाद मैं ये मामा अर्थ का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, सो इसीलिए हर चीज़ में ऑयल कंट्रोल, SPF हर चीज़ रहना ज़रूरी होता है। इसे मैं हल्के हल्के ब्यूटी ब्लेंडर में लेके अपने फेस पे अच्छे से डैबिंग कर दूँगी, दैट्स इट। एंड जो एक्सेस जो मुझे लगता है ना कभी कभी एक्सेस हो जाता है, उसको मैं एक पाउडर ब्रश से डस्ट ऑफ कर लूँगी अपने पूरे फेस में। सो फिर मैं अपने ब्राउज को फिल इन कर लूँगी, ज़्यादा फिल इन करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो गिर विर गया है उसको मैं फिल इन करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया था मेरे जो ब्राउज है पार्लर वाले से। सो आईज एम्प्टी लगता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सो इसी वजह से मैं एक ब्राउन कलर जो है अपनी पूरी आई लिड पे थोड़ा सा लगा दूंगी, दैट्स इट। एंड कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं, ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा ओवर रेडी होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो ब्लश मैं लगा दूंगी यहाँ पे कफ्स एंड लैशेज का ब्लश, जो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बट वो पिगमेंटेशन जो है बिल्डेबल है, आप बिल्ड कर सकते हैं फटाक से, थोप से आपके गाल में ज़्यादा नहीं लगेगा। सो वेरी प्रिटी सा ब्लश है। आईज़ में मैं लगा दूंगी काजल, क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ इसी वजह से, एंड मुझे नहीं समझाना है कि मैं किसी को कि मैं बीमार हूँ। मस्कारा लगाऊंगी माई फेवरेट मेबलिन का मस्कारा, मस्कारा के बगैर मेरा मेकअप कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। सो यहाँ पे मैं एज यूजुअल प्लम का फेस मिस्ट से सेट कर लूँगी, फेस को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इसको मैं डैब डैब ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा डैब डैब इन कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, मोल्टन गोल्ड शेड है, थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दूंगी, अच्छा लगता है ना मेकअप में थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप अगर एड करोगे ना काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, इसके लिए पहले मैं अपने लिप्स को क्लीन कर लूँगी, जो भी लिप बाम था वो मॉइस्चराइज हो गया है लिप्स में। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कफ्स एंड लैशेज़ का लिपस्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है एंड यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट होता है। लुक आई होप
आपको अच्छा लगा। मैं वेरी सिंपल, मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ जब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर एंड मस्कारा, दैट्स इट। काजल अगर आपको लगे कि आप थोड़ी सी बीमार बीमार लग रहे हो इसी वजह से, एंड दिस इज़ द लुक, वेरी सिंपल सेटल। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा। सो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, चैनल पर नहीं हो तो, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लाऊँ आप सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए। मोर ओवर शेयर दिस वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।